लड़कों की पाकिस्तानी लड़कियों के साथ शादी के नाम पर बर्बादी, हाथ पीले करने का फर्ज अदा करने में कई बाप धोखा खा गए। मस्नूई शादियों के पीछे छुपे हकायक ने सबको हैरत में डाल दिया। चीनी लड़कों के मकामी एजेंट पादरी जाहिद मसीह ने 15 और कैसर महमूद नामी शख्स ने 10 शादियां कराने का एतराफ कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक काशिफ नवाज एक निजी यूनिवर्सिटी से चीन जबान का कोर्स करके गैंग का हिस्सा बना और मुतरजिम के तौर पर काम करता था। गैंग के एक और मुलजिम सुनील मसीह का काम शादी के लिए हॉल और दीगर इंतजाम का बंदोबस्त करना था। FIA ने हालिया कार्रवाइयों के बाद केस दर्ज करके तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। ज़राए के मुताबिक मकरू धंधे में मुलव्वस चीनी खातून के पाकिस्तानी पार्टनर अनस की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अनस नामी मुलजिम साबिक DSP का बेटा है। FIA ने शादी के नाम पर पाकिस्तानी लड़कियों को चीन ले जाकर गैर अखलाकी काम कराने के इंकशाफ पर लाहौर, फैसलाबाद और मंडी बहाउद्दीन में कार्रवाइयां करके स्मगलिंग में मुलव्वस दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिमा कैंडिस का ताल्लुक चीन से है। कैंडिस के नेटवर्क ने 50 से ज्यादा लड़कियों को चीन भिजवाया।